मुरादाबाद की सदर तहसील में बुधवार दोपहर 1 बजे भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून की प्रतियां जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसकी सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस फोर्स ने किसानों को समझाकर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने से रोकने का प्रयास किया। इस पर किसानों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हो गई। इस दौरान तहसील क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसानों ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी, तीनों कानून वापस नहीं होने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। था आज राष्ट्रीय आह्वान है हमारा, ये जो तीन विरोधी काले कानून है ना किसानों के, जो हक में लाए गए, सरकार कहती है किसानों के हक में, ये काले कानून है, ये साबित हो चुका है। और इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर रोक लगाई है। तो हम इनका ये पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हमने इसकी प्रतियां जलाई हैं आज तहसील तहसील पूरे, राष्ट्रीय आह्वान पूरे प्रदेश में ये है। और जब तक ये हमारे कानून वापसी नहीं होंगे तब तक इस तरह के धरने प्रदर्शन हमारे द्वारा चलते रहेंगे। एक बात और है इसमें जी जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल संदेश भेजा है, या हमारे या सरकार के प्रति जो भी कुछ उनका हो रहा वो तो ठीक रहा, उन्होंने सरकार पर लताड़ भी लगाई है, उसके धन्यवाद हैं। बाकी उन्होंने जो चार आदमियों की समिति बनाई है वो हमारे पक्ष में नहीं है, वो सरकार के पक्ष में है। वो पहले से लोग विरोध कर रहे थे और वो हम उनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम भी लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये बात फाइनल हो गई है। और जब तक ये काला कानून और MSP लागू नहीं होती कानून के दायरे में, तब तक हम घर वापसी नहीं आएंगे, तब तक कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। कमेटी में शामिल नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट की जो